हेलो, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिस बिजनेस को आप 8,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आप 8,000 रुपये का इन्वेस्ट करके अपने घर पर एक छोटी फैक्ट्री डाल सकते हो। तो अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिस बिजनेस में इन्वेस्ट 8 या 9 हज़ार रुपये का हो और प्रॉफिट आपका 5 से लेकर 10 हज़ार रुपये तक का डेली हो, तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो बिजनेस छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे शहर में चलने वाला बिजनेस है। तो पूरा आप इस वीडियो को देखिएगा यहां से लेकर यहां तक। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाया करें। अगर आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, अपने घर से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाल बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर दबा दिए। चलिए देखते हैं कौन सा है वो बिजनेस और कैसे आप इस बिजनेस को करके 5 से लेकर 10 हज़ार रुपए तक डेली कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो बिजनेस। जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं वो बिजनेस है स्लीपर मेकिंग बिजनेस। आप सभी जानते हैं स्लीपर का एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि छोटे से छोटे गांव में बड़े से बड़े शहर में चलता है। तो आप भी स्लीपर बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने घर से। कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो अगर आप स्लीपर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। 8,000 रुपये की मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करते समय। चलिए देखते हैं कैसे ये मशीन काम करती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको इसका रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से आपको मशीन खरीदनी है, सारा कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो मशीन काम कैसे करती है। पूरा वीडियो आप जरूर देखना अगर आपको ये बिजनेस करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पूरा एक सैंपल रेडी होता है, पूरा चप्पल किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए हमें चाहिए एक शीट, कुछ इस तरह की एक शीट होती है। ठीक है, ये मैंने कट करके रखी एक बड़ी शीट में से। ठीक है, फिर एक होती है डाई, जिस नंबर की डाई का आपको काटना है उस तरह से कट सकता है, चाहे वो 9 नंबर हो, 10 नंबर हो, 7 नंबर हो, जेंट्स का हो चाहे लेडीज का हो चाहे बच्चों का हो, हर तरीके की इससे मशीन से आप चप्पल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चप्पल बनाते हैं। अब चप्पल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको हम किस तरह रखते हैं। हमें कुछ इस तरह का पटिया चाहिए होता है, लकड़ी का जो होता है, जिससे डाई खराब नहीं होती। सबसे पहले आप इसके ऊपर हम लोग ये इसको रखेंगे इस तरह से, इसको बाद इसके ये रखेंगे, डाई को अंदर जाने देंगे, इस तरह से डाई अंदर चला जाता है। एक बार जाने के बाद हम दोनों साइड से देख लेंगे कि भाई बराबर है कि बाहर तो नहीं निकल गया, जिससे कि आपका रॉ मटेरियल खराब ना हो। उसके बाद हम इस डंडे को धीरे से नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे अटक जाता है। अटक जाता है मतलब यहाँ पे टाइट हो जाता है। दोनों हाथों से पकड़ना है और इसको नीचे ले जाने लेके आ जाना है। एक बार आपका हो गया, इसको वापस से ऊपर कर लिया। अब वापस से बाहर निकालेंगे इसको और धीरे से चप्पल का ये निकल जाएगा। तो आपने देखा कितनी स्पीड में काम हुआ है। और आप ये देखिए तीनों छेद आपके यहाँ से निकल चुके हैं जो आपकी बद्दियाँ लगाने में काम आएंगे। तो आपको कोई गाइड, इसके लिए कोई गाइड, पूरी गाइड मिल जाएगी कि कहाँ पे बद्दियाँ लगानी है। आप देखिए पूरे छेद मिल गए हैं। चप्पल की फिनिशिंग देखिए, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ये चप्पल खराब बना है, कटा है, या फिनिशिंग की कोई जरूरत ही नहीं होती है ऐसे चप्पलों में, क्योंकि डाई आपकी बहुत अच्छी होती है। तो ठीक है, अब हम इसमें करते हैं छेद। तो छेद करने के लिए जो 3 छेद हैं उनमें हमें छेद करना होगा। हम लोग यहाँ से मोटर चालू करेंगे। मोटर चालू करने के बाद जो छेद हो गया है उस छेद को इसमें डाल लेंगे। देखिए कितनी साफ सफाई से और आराम से ये काम हो गया है। वापिस से करेंगे, तो दोस्तों ये पूरा ऐसे मोटर को बंद कर देंगे, ये पूरा का पूरा छेद हो चुके हैं। अब इसमें लगाते हैं हम तनी। तनी के लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है स्ट्रिप टूल। स्ट्रिप टूल जो है हर तरह की तनी लगा देता है। तो हम एक तनी निकालेंगे अपने बंडल में से। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, अंदर डालेंगे, इसको लगाएंगे आधा और बाहर निकाल देंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से अंदर जा चुका है इसमें। फिर ये वापस करेंगे, इस साइड से लगाएंगे और अंदर। और मैं आपको दोस्तों को बता दूं कि एक ही डाई से आप दोनों चप्पलें बना सकते हैं, राइट लेफ्ट। ये आपका चप्पल रेडी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने मैनुअल मशीन में देखा कितना आसान तरीके से चप्पल बन सकते।
देखा आप सभी ने किस तरह से जो है मशीन काम करती है। यहाँ पर आपको 8000 रुपए में दो मशीन देखने को मिलती है। एक मशीन होती है चंपल की कटाई वाली और दूसरी मशीन होती है उसके छेद करने वाली, जो कि आपने वीडियो में देखा। अब बात करते हैं कि आप ये मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं और स्लीपर बनाने का जो मटेरियल होता है जैसे कि नीचे की बद्दी, ये कहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ आप एक ही कंपनी से खरीद सकते हो। उस कंपनी का मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो कंपनी को आप कॉल करके बात कर सकते हैं, जो कुछ आपका डाउट है वो डाउट आप कंपनी से क्लियर कर सकते हैं। तो देखा आपने एक 8000 रुपए की मशीन से कैसे आप छोटी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कितने पैसों में स्लीपर रेडी हो जाता है। स्लीपर रेडी हो जाता है 30 रुपए से लेकर 50 रुपए में, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का स्लीपर रेडी हो जाता है। तो जो 30 रुपए का जो मटेरियल वाला स्लीपर है वो आपको कितने तक में बेचना चाहिए, आपको होलसेलिंग करनी चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि अगर आपने अपनी मशीन खरीदी है तो सबसे पहले आप मार्केटिंग करो, होलसेल पे आप ध्यान मत दो। मार्केटिंग करोगे तो आपको पूरा पूरा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्लीपर, अगर आप 30 रुपए का जो स्लीपर रहता है अगर आप उसे होलसेल में दोगे तो 40 रुपए में ही आपको देना होगा, पर वही अगर आप रिटेलर में देते हो तो आपको वो 80 या 90 रुपए में आपका स्लीपर बिकेगा। तो वहां पर आपको रिटेलर में पूरा पूरा प्रॉफिट होगा। तो आप अपनी जगह पर जहां पर चाहे वहां पर स्लीपर का जो है शॉप लगा सकते हैं। जो मार्केट में स्लीपर बेचते हैं आप उनसे 10 रुपए कम भी लोगे तो भी आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से आपको यहां पर मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मशीन अगर आपको खरीदनी है, स्लीपर के बारे में और भी कुछ जानना है इस मशीन के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। कंपनी का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि कैसे मशीन आप मुझे भिजवाओगे। सारा कुछ आप कंपनी से बात करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।